तीन टाइप की सीरीज होती हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूस सीरीज। एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। पहली है इंडिविजुअल सीरीज। एन इंडिविजुअल सीरीज इज वन इन विच द डेटा गिवन इज इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज। इंडिविजुअल वैल्यूज मतलब आपके कितने आए, 60 अजम्पशन, आपके कितने आए, 60 अजम्पशन। तो 60 दो लोगों के आए तो 2 बार 60 लिखा जाएगा। जितनी बार जितने ऑब्जर्वेशन हैं उतनी बार वैल्यू आएंगी। आपके कितने आए, 90, तो 90 लिखा जाएगा। आपके कितने आए, 90। जितनी ऑब्जर्वेशन हैं उतने जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उतनी वैल्यूज आएंगी, चाहे वो रिपीट हो रहे हो। आगे जाके हम एक टर्म सीखेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू इज रिपीटेड। तो अगर जैसे 80 दो बच्चों का है तो 80 के आगे दो आ गया तो 80 दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। 80 80 अगर मैं 80 80 दो बार लिख रहा हूँ तो मतलब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। अगर मैं लिख रहा हूँ वैल्यू 80 और फिर उसके आगे लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी 2 तो वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन नहीं। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, इट इज अ सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू इवन इफ इट इज रिपीटेड। इट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज डू नॉट हैव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आइटम्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो कोई भी चीज यूज होगी और अगर इसका मीनिंग कि ऑलरेडी कहीं कवर हो चुका है तो हम दोबारा करेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड। तो अगर 80 चार बच्चों के आए तो वैल्यू 80, नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी 4। तो 80 चार बार लिखे ऑब्जर्वेशन में नहीं लिखा हुआ आएगा, एक ही बार लिखा हुआ आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज आर गिवन। इफ फ्रीक्वेंसीज आर नॉट गिवन, ईच आइटम इज लिस्टेड सिंगली, इट इज एन इंडिविजुअल सीरीज, दे डू नॉट हैव फ्रीक्वेंसीज। कहाँ पे, इंडिविजुअल सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन इंडिविजुअल, इट विल फॉर्म एन इंडिविजुअल सीरीज। तो पहले तो तीन टाइप की सीरीज हो सकती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज क्या है मुझे पता चल गया कि अगर 10 बच्चे हैं 10 बार मार्क्स आ रहे हैं चाहे रिपीट हो रहे हो। अब इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालने के तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालने के तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड ऑल्सो नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डिविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालने के तीन मेथड्स हैं, तीनों से आंसर सेम आए। तो सर फिर हम कौन सा फॉलो करें, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द क्वेश्चन। वो भी हम सूटेबिलिटी पे तो आएंगे, पहले कैलकुलेशन अंडरस्टैंड करें। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड, जो भी हमने डेफिनेशन ही सुनी वो डायरेक्ट मेथड ही होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो उसकी डेफिनेशन है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द यूनिट्स आर एडेड, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड देन द टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। अरिथमेटिक की डेफिनेशन ही क्या आती है मीन की, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द यूनिट्स आर एडेड एंड देन टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स एंड द क्वोशेंट बिकम्स द अरिथमेटिक मीन। जो आपकी वैल्यू निकली दैट इज द अरिथमेटिक मीन। स्टेप्स, लेट द ऑब्जर्वेशंस बी डिनोटेड बाय एक्स, तो एक्स क्या हो गया, वेरिएबल, 1 2 जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक्स के अंडर आ जाएंगी। एड अप द वैल्यूज टू कैलकुलेट सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं समेशन एक्स, सम ऑफ द वैल्यूज, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कितने स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स तो एन हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला हो गया
mean is sigma x upon n. Simple सी बात है. Mean is equal to sigma x upon n, where sigma x is sum of the values, sum of all the values. N is the number of observations, and x bar is the arithmetic mean. कोई भी डाउट? बहुत इजी है, फिर भी एक क्वेश्चन करके दिखाना चाहूंगा मैं. तो हमें क्या दे रखे हैं? स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स. तो पहला कॉलम क्या हो गया? स्टूडेंट्स डिनोटेड बाय x. स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी, जो ऑब्जर्वेशन, जो चीज हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम वेरिएबल मानते हैं. हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मार्क्स या स्टूडेंट का नाम? मार्क्स. तो मार्क्स को हम कैटेगराइज करेंगे x. कितने a b c d e f g h आए? a b c d e f e f g h i. मार्क्स क्या है? 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70 and 45. एक बार वेरीफाई कर लेंगे. 85, 60, 55, 55, 40, 55, 70, 45, JBL, 65. अच्छा हुआ ना, देखिए J क्या है? 65. अब ध्यान से देखना, ये तो अपने वैल्यूज बड़े ध्यान से कॉपी करने, काफी बार क्या होता है वैल्यू गलत कॉपी हो जाती है, तो वो भी एक अलग लेवल की ही बेवकूफी हो, तो वो ध्यान रखना है, किसी से भी हो सकती है गलती. सबसे पहले आपको लिखना चाहिए फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो सिग्मा एक्स, अब ध्यान से देखेंगे सिग्मा एक्स क्या है. सिग्मा एक्स, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ. सिग्मा एक्स टोटल ऑफ एक्स, 85 + 60, 145, 145 + 50, 195, 195 + 200, 270, 270, 325, 365, 370, 420, 510, 550, 560, 620. वेरीफाई कर लेंगे, कर लें जल्दी से. 85 + 60 + 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65. ओह अच्छा, वो कर लिया. 85, 60, 140, 140, 150, 200, 270, 360, 410, 420, 490, 530, 590, 600. ठीक है, वेरिफिकेशन, ऑलवेज वेरीफाई. 600 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 600 डिवाइडेड बाय 10, 60. जब भी बोल रहा है तो एक और बार वेरीफाई करें. 860, 140, 190, 260, 270, 320, 360, 410, 420, 490, 530, 590, 600. सिंपल, कोई भी डाउट? बट एक स्टेप करना है मुझे, तो इसलिए एक बार करके दिखाया, वरना ही वर्बली भी डिस्कस हो सकता था. इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड इज द डेफिनेशन. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कोई भी डाउट? अब कहानी आगे की. डायरेक्ट मेथड यही है जो हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिंपल. अब ये सिर्फ तब सूटेबल होता है जब डेटा कम है. जब डेटा कम है, 5-10 ऑब्जर्वेशंस हैं, कह रहे टोटल करो,
और ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है, डेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम है, ज्यादा बड़ी वैल्यूज भी नहीं है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो। अब ये होता कि किसी का मतलब, अब इसमें होती कि सैलरी तो थाउजेंड्स में बातें हो रही होती, 80,000, 90,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 15,000, मतलब बड़ी वैल्यूज होती। तो जब बड़ी वैल्यूज हैं तो उस केस में शॉर्टकट मेथड और आगे जाके हम देखेंगे अज्यूमिंग मेथड काम आता है जब बड़ी वैल्यूज हैं। और दोनों चीजें, वैल्यूज भी बड़ी हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, तो दोनों केस में फिर आगे काम आता है। बेसिकली डिफरेंट मेथड्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। डिफरेंट मेथड्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड क्लियर चल सकता हूँ आगे, कोई डाउट तो नहीं है?